आज मैं काजू कतली बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम काजू लिया। इसको दो तीन पानी से अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए पानी में भिंगो दिया। जब ये भींग गया तब इसका पानी निकाल के इसको एक चलनी पे रख दिया, जिससे इसका सारा पानी निथर जाए। और अब इसे मैं ग्राइंडर में पल्स मोड पर पीसूंगी। ये देखिए, पल्स मोड पे मैं इसको पीसूंगी। पल्स मोड पे पीसने से काजू गर्म नहीं होता है, यानी कि मिक्सी गर्म नहीं होती है। अगर गर्म होगी तो यह ऑयल छोड़ देगा, जो कि ठीक नहीं है। अभी इसको एक दो बार और पल्स मोड पर चलाएंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा थोड़ा छोटे टुकड़े हैं। 250 ग्राम काजू में 200 ग्राम चीनी लेते हैं। इसको पीस लिए हैं, और जब काजू पिसा गया तो सबसे पहले हम इसमें चीनी को अच्छे से मिला लेते हैं, बिना गैस जलाए। गैस नहीं जलाते हैं, और इसमें चीनी अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि गैस लेने पर काजू के जलने का चांस रहता है। ऐसे मिला रहता है तो अच्छा रहता है। बिना गैस जलाए ही इसको थोड़ा चम्मच से अच्छे से मिला देते हैं, मसल मसल के मिलाते हैं। पीसे हुए काजू में चीनी पाउडर अच्छे से मिला दिए हैं, लेकिन इसमें अभी भी रवा सा है, इसलिए इसको मिक्सी में एक दो पल्स मोड पे और चला देंगे, जिससे ये चिकना हो जाएगा और इसमें शाइनिंग आ जाएगी। काजू के पेस्ट और चीनी के मिश्रण को दोनों को मिला के इसको अच्छे से धीमी आंच पे भूनते हैं। अभी तो चीनी थोड़ा पानी छोड़ेगी, जिससे ये पतला हो जाएगा, लेकिन भूनने के बाद जब इसकी गोली बनने लगेगी तब ये इसका मतलब है कि ये तैयार है। अभी तो ये भुनाएगा। यह काजू काफी कुछ भुना चला है। जब ये पूरा पैन छोड़ देगा तब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूंगी। ये डो को हम इस प्लास्टिक में निकाल लिए हैं, और इसको गर्म है इसलिए इसको ऐसे ऐसे दबा के थोड़ा कर लेते हैं, चिकना कर लेते हैं। काजू की टेंडेंसी रहती है ये तेल छोड़ देता है। देखिए कितना चिकना हो रहा है। अब इसको मैं दूसरा प्लास्टिक रख के बेल लूंगी। ये इसके ऊपर एक प्लास्टिक रखकर इसको मैं बेल लूंगी। कतली इसको बेल लिए हैं, और अब शेप में काट लेंगे। एक जैसा नाप करने के लिए हम काटी हुई कतली को इधर साइड में रखते हैं, और उसी नाप का फिर काटते हैं। इससे करीब करीब एक जैसा ही कटता है। ये कतली बहुत अच्छी बनी है, और देखिए